550 का गन्ने का जूस, बाप रे बाप। भाई लूट तो इतनी मचा रखी है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, यानी कि बुर्ज खलीफा। तो क्या आप जानते हैं कि इससे पहले यहाँ क्या था? तो ये था रेगिस्तान। जी हाँ, ये पूरा एरिया भी रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ पे आज इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी है कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं। हेलो, सो अब हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, जो बहुत सुना होगा सबने। दुबई की डेजर्ट सफारी बहुत अच्छी होती है। देखो वहाँ पे सुना है कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, और मेरा पैर, और वहाँ पे देखो फिर इन्होंने इतना सुंदर बना दिया है उस एरिया को। देखो रेगिस्तान को इन्होंने एकदम चमन बना दिया है कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं दुबई को। टॉपिक पे आते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ पे हम रुके हैं जहाँ पे कि, तो अब हम आ चुके थे अपने पहले स्टॉप पे, जहाँ पे आपको अरेबिक ड्रेसेस रेंट पे मिल सकती थी, और आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम भी जा सकते हो। तो ये था हमारा पहला स्टॉप। तो आप इस तरह की अरेबिक ड्रेसेस भी ले सकते हैं रेंट पे यहाँ पर। चलो मिलते हैं हम लोग भी डेजर्ट सफारी, वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और अपना एक्सपीरियंस पूरा आपको दिखाएंगे भी थ्रू माय चैनल। तो मेरे चैनल से, मुझसे जुड़े रहिएगा। बहुत धूप हो रही है, चलो बाय। कहते हैं ना, मंजिल जैसी भी हो पर सफ़र बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ था हमारी डेजर्ट सफारी के सफ़र के बारे में। तो ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे, क्योंकि मैं रेगिस्तान पहली बार देख रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इन्हें देखकर। प्यारे से बॉलीवुड के सॉन्ग्स चला रखे थे कार के अंदर, तो मज़ा तो दुगना होना ही था। और हमें पता भी नहीं चला, और हम पहुंच गए अपने दूसरे स्टॉप पर। तो यहाँ पे अभी एक और स्टॉप आया है हमारा आधा घंटे का, जहाँ पे कि आप ऐसी बाइक्स वगैरह ले सकते हो रेंट पे, और लेने के बाद आप लोग आराम से चलाएंगे इसको वहाँ पे डेजर्ट में। यहाँ पे है डेजर्ट उधर, सो अच्छा है एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी। यू कैन एंजॉय, हैव फन। यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है ना डबल सीट्स वाला, वो उसका, वो है उसका प्राइस है 250 धिरम। बाप रे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 250 धिरम कितना हो गया इंडियन रुपीज में? 5,500 का डबल वाला, बाप रे इतना महंगा। यहाँ मैंने लगाना, और ये देखो मैंने 7 पहन लिया इंडियन वाला, मैं अपने घर से लेके आई थी। ये जम गया सर, ये नहीं निकलेगा। ओह, इस तरह से ले सकते हैं आप अपना नाम लिखवा के। 40 ग्राम, इसके अंदर एक नाम आएगा, इसके अंदर दो नाम आएंगे, इसके अंदर 3-4 नाम आएंगे। ओह अच्छा, 40 ग्राम का देख रहे हो, महंगाई है, लूट मचा रखी है यहाँ पे। आप इस तरह का कपड़ा भी खरीद सकते हैं यहाँ पर, पर यहाँ पर बहुत महंगा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिया से ही लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा। गन्ने का जूस, या गन्ने का जूस पूछना कितने का है? कितने का जूस? गन्ने का 25 धिरम का है। बाप रे, यानी एक टाइम का खाना 25 धिरम, मतलब 550 के आसपास। बाप रे, 550 का गन्ने का जूस, बाप रे बाप, 550 का। आप इंडिया में बहुत अच्छी जगह से भी पियोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में पी लोगे। अरे वाह, 550 रुपये का गन्ने का जूस हम ना पी रहे भैया, हमारा एक टाइम का खाना हो जाएगा इतने में। यहाँ मतलब खाना मतलब सही रेट में मिल जाता है यार जगह जगह, बट ये टूरिस्ट प्लेस है ना, ये टूरिस्ट यहाँ पे, तो यहाँ बहुत महंगा है इसलिए। बाप रे, देखो यहाँ पर स्वीट कॉर्न और ये सब कुछ तो था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही महंगा था, क्योंकि एक ये टूरिस्ट प्लेस थी। तो आई विल सजेस्ट कि अपना वही घर से थोड़ा बहुत खाने का ले आए। सो अभी हम बैठे हैं, हैंड सैनिटाइज़र देना, हाथ वाथ धुल के कुछ खाते हैं अपना, लाए हैं जो अपना, क्योंकि यहाँ पे तो खाने लायक कुछ है नहीं। और बैठे हैं, इतने मज़े ले लें, आधा घंटा है उसमें से 10 मिनट तो निकल ही गए हैं। सब लोग यहाँ पे, ये वैसे मुझे गर्मी में शौक भी होगा, मेरे को आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। बस सर ठंड में मुझे लगता है शाम को तो मज़ा भी आता थोड़ा बहुत, लेकिन अभी दोपहर हो रही है, इतनी धूप हो रही है ना अभी, अभी तो यहीं मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ तो
चलो अब सीधा हम मिलेंगे लोकेशन पे, कैंप लोकेशन पे, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बाइक वगैरह चला रहे हैं रेत में, इसीलिए कपड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर, ताकि आप अपने सर पर कपड़ा बांधोगे तो रेत वगैरह आपके सर में नहीं जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने बैग में इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर कपड़ा तो रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 गुना महंगा पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। और देखो इस तरह से यहाँ पे ये फ़ोटोज़ भी लेते हैं जो कि बाद में ये आपको सेल आउट करते हैं। और ये बाइक देखी थी मैंने, जो देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, कुछ अजीब सी बाइक थी और इसकी अजीब सी आवाज़ थी। ये बाइक मैंने कभी इंडिया में तो खैर देखी नहीं है, क्योंकि ये शायद सिर्फ रेगिस्तान पर ही चलती है, डेजर्ट पर ही। और अब हम निकल पड़े थे डून बैशिंग के लिए, जो कि थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर करिएगा ये। और ये हम लोग थे यहाँ पर और मतलब इन्जॉय कर रहे थे, बस अपने में ही थे। और मैं वीडियो बनाने में लगी थी, जिससे मुझे लग भी रहा था शायद फ़ोन मेरे मुँह पर पटक जाएगा, और ऐसा हुआ भी था वैसे। और ये गाड़ी जा रही थी, ये रेगिस्तान के, आपको यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर जा रही थी। और सच में थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन एडवेंचरस भी लग रहा था, इसलिए मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था जो मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है। और इन लोगों ने यहाँ के सॉन्ग्स वॉन्ग्स भी चला रखे थे, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था सॉन्ग्स पे। और ये सब ऐसे ऐसे पूरी गाड़ी हिल रही थी। तो हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने पैसे दिए थे, और ये थी पैसा एकदम वसूल। सो अभी हम हैं अपनी लोकेशन पे, कैंप पे, जहाँ पे कि हमारी सफारी होती है। और यहाँ पे अभी अंदर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होगा, तो यहाँ पे ये देखो इनके कैंप्स हैं, अंदर जाएंगे, अभी हम गए नहीं हैं अंदर। और ये हो रहा है प्यारा सा सनसेट, सन इज सेटिंग, इट्स गोइंग डाउन। और यहाँ पे ये इन लोगों ने, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। सो ये ऊँट है, और जो ये पैकेज होता है ना क्लूक का, इससे ये वाले कैमल में थोड़ी सी राइड कराते हैं लोग, बस वहाँ से उठाएंगे और ये एक चक्कर ऐसे थोड़ा सा लगवाते हैं। और आई शो यू, वेट, बस इतना चक्कर लगवाएंगे जितना ये अभी जा रहा है ना, आपको दिख रहा होगा लेके जा रहा है ये 3 कैमल एक साथ, बस यहाँ ले जाएगा और थोड़ा सा आगे जाके इन कैमल्स को बैठा देगा। बस इतनी सी ही राइड है इसमें इंक्लूडेड, अगर आपको एक्स्ट्रा करनी है तो फिर एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी, जी हाँ। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंप्स हैं, यहाँ पे भी अंदर जाएंगे, सिटिंग एरियाज़ वगैरह यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, आई विल शो यू अभी जब अंदर जाऊँगी तब। और वहाँ पे सनसेट हो रहा है, बस सुंदर लग रहा है ना। सो मैं अभी आपको अंदर भी दिखाती हूँ कि अंदर क्या होता है, क्या एंटरटेनमेंट के लिए है और क्या क्या खाने में है, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन रहते हैं कैसे रहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ खैर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, नो डाउट। हम लोगों ने, हाँ वो जो हम लोग क्या था, बैशिंग कराते हैं ये सैंड में, कार में जो हम अभी कर रहे थे उसमें, बाप रे कितना मज़ा आया था, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, और मेरे हस्बैंड का मेरे से चश्मा भी टूट गया, टूट मतलब उसका शीशा निकल गया, क्योंकि पता नहीं, मैं शायद वीडियो बनाने के चक्कर में हो सकता है कि वो हाथ लग गया मेरा। और ये मेरा बैंगल भी देख रहे हो आप, वीडियो बनाने के लिए मेरे अपने एक बैंगल का वो भी सारे मोती नीचे बिखर गए, बट कोई बात नहीं, होता रहता है। बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी देर की थी बट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, तब मीन्स मुझे तो बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा, वो पहली बार एक्सपीरियंस था। तो बाकी आई विल शेयर विद यू और क्या क्या यहाँ पे होता है, और आप लोग भी बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। चलो मिलते हैं अंदर, बाय बाय। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर कैंप के, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कैसा है, बाद में कैसा होगा रात में, आई विल शो यू। सो एंट्री पे हम जा रहे हैं, I'll show you it. So this is entry of University Tourism Camp number 33, and this is camp. I'll show you. ये रात में बहुत सुंदर लगता है,
मैंने देखा है बाकी वीडियोस में भी जहाँ पे कि सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, वैसे सामान ये वो कॉर्न भी है, स्वीट कॉर्न्स खाने, और यहाँ पे ये फ्री सर्विस हैं ड्यून वैशिंग, ये वैशिंग मतलब ये हमारे उसमें टी कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ये सब है पेड वाली। सो अगर आपने क्लूक से स्टैंडर्ड पैकेज बुक किया है तो आपको इस तरह से नीचे बैठना होगा, जी हाँ नीचे अपना पिलो लगा के और यहीं पे बैठना होगा और यहीं पे खाना भी होगा। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है यार, रिफ्रेशमेंट में कुछ खाते पीते हैं तो लगे बहुत तेज, सुबह से कुछ नहीं खाया है अभी, कुछ नहीं खाया है तो विल सी विल हैव समथिंग। चलो तो ये अफगानी ड्रेसेस थी जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता और इन गिफ्ट्स के लिए भी ऑब्वियसली। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, आ जाओ। मैं कह रही हूँ कि वो ड्रेस वाला भी फ्री है क्या? नहीं मेरे इस सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं मेरे लोग, तो यहाँ पे ये है टी कॉफ़ी। चलो भाई टी कॉफ़ी लेते हैं, बहुत सारी मक्खी भी नक रही है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ओह खुद से बनानी है, सो ये खुद से बनानी है, सेल्फ सर्विस है यहाँ भी। कितना चाहिए बताओ? हाँ थोड़ी सी बनाना, ये क्या ही है ये तो इस चीनी है। अच्छा वो भुंटा पेड़ है क्या? कौन? अच्छा कॉफ़ी है। ओह दिस इज कॉफी, कॉफी इज आल्सो, आई विल हैव कॉफी। ओह माय गॉड, सो दिस इज वी विल मेक कॉफी। ये क्या है यहाँ पे? ओह यहाँ पे ये तो ये आइसक्रीम पार्लर था, यानी कि यहाँ पे आइसक्रीम थी और ऑब्वियसली ये भी पेड थी, ये पैकेज में नहीं थी। यहाँ पे ये सब भी है, हिना टैटू डिज़ाइंस वगैरह ऑल्सो दे आर मेकिंग, ये इंक्लूडेड ही होता है क्या है यहाँ पे काफ़ी। दिस इज ऑल्सो फ्री, इंक्लूडेड नॉट फ्री, नथिंग इज फ्री। हाँ फ्री में कुछ नहीं होता है, सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब पैकेज में इंक्लूडेड होता है, जो क्लूब वालों का पैकेज होता है उसमें इंक्लूडेड रहता है। यार कॉफ़ी पी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड इतने प्यार से मेरी कॉफ़ी बनाई है, कैसी है खाना? सो क्योंकि हम लोगों ने क्लूब से किया था तो हमें वहाँ पे ये लोग बैठा रहे थे नीचे। यस यस क्लूब, यस। सो अभी हम जा रहे हैं VIP, सो दिस इज़ VIP, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए एकदम सामने से वीडियो बनानी थी ताकि मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से दिखा सकूं। इसलिए हमने सोचा कि VIP यानी कि प्रीमियम वाला ले लेते हैं ताकि आराम से बैठ के वीडियोस भी बन जाएंगी, थोड़ा इन्जॉयमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सिटिंग एरिया है ये इस तरह से। सो प्रीमियम वालों के लिए देखो कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है और साथ में पानी की ये ग्लासेस आए हैं, और नॉर्मल वालों के लिए नहीं दे रहे थे ये लोग, मतलब नॉर्मल जो हमने फ्रूट से बुक किया था। कोई बात नहीं, ये है हम। भाई लूट तो इतनी मचा रखी है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है ना हर चीज़ में, लाइक चार्ज। पहले हमारा क्लूक से था तो हम वहाँ पे बैठे थे, मतलब नॉर्मल वाला, फिर हमने प्रीमियम करा लिया क्योंकि यहाँ बोल रहे थे स्टार्टर मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर हम चलो ये करा लिया। अब हमने पूछा स्टार्टर, उसके भी अलग से चार्ज ले रहे हैं, समझ रहे 10 AD 20 AD ऐसे धर्म, उसके भी अलग से चार्ज ले रहे हैं। और स्टार्टर के नाम पर क्या लाएँ, दो छोटे छोटे समोसे और ये क्या है यार? ये मतलब इज दिस नॉन वेज? खा लो आप। एंड समोसा? इट्स नॉन वेज ओनली, नथिंग इज वेज? ऑल वेज। मुझे तो शक हो रहा है वेज है भी कि नहीं है, बट इतने तरीके हैं ना यहाँ पे लूटने के, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लोग लूट भी रहे हैं तो लूट रहे हैं तो लूट रहे हैं। सो इन्होंने खाने का बुफे लगा दिया है ऐसा बोल रहे हैं, तो देख के आते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। प्रीमियम वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले आप यू कैन गो एंड हैव योर फूड। सो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ फिर मैं अपना खाना आराम से लूँ, आई शो यू वेट। तो यहाँ पे ये सैलड्स हैं, दीज आर द सैलड्स एंड ये नॉन वेज है, ये भी सैलड है, सैलड खाना, सब्जियाँ हैं ये बहुत सारी यहाँ पे, मतलब राइस भी है, कड़ी है, पास्ता एंड दिस
दिस इज आई डोंट नो व्हाट इज दिस. अच्छा चुकंदर है ये, चुकंदर है ये. यहाँ पे मतलब खाना तो इन्होंने यार काफ़ी वैरायटी का लगा रखा है यहाँ. नहीं यहाँ पे मीठा ब्रेड्स वगैरह दिस ऑरेंजेस. खाना तो ठीक ही लग रहा है, चलो देखते हैं. बता मैं ले आई हूँ ये, ठीक ठाक है, काम चलाओ टाइप. प्रीमियम में भी काम चलाओ टाइप है. नूडल्स वगैरह ये सब ले आई हूँ. ये इन्होंने देखो क्या दिया है इस प्रकार से. नॉन वेज भी है. ये है यहाँ पे होगा प्रोग्राम. So, ये देखो वहाँ भीड़ हो चुकी है पूरे उसमें. प्रोग्राम देखने में सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, पेट पूजा. और ये देखो क्लू वालों की इधर लाइन है ना. नॉर्मल स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पे हाथ में खाना देते हैं. प्रीमियम के लिए यू कैन हैव बुफे हियर. जैसे हम लेके आए थे वही प्लेट में. तो अब पहली परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी और वो ये थी. फायर शो मेरे लिए काफ़ी अलग था, तो मुझे बड़ा इसे देख के एक्साइटमेंट हो रहा था. अच्छा लग रहा था ये मुझे शो. तो मेरी खुशी ये है यहाँ पर. और बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता देना. और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और वीडियो को लाइक कर देना. और हाँ अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को ना ये वीडियो भी भेज देना. और आपको अच्छी लगी क्या, सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे ज़रूर बता देना. सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे से आप जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करिए. सो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू.